उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में अब सेंध लगा दी है। समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी आज बीजेपी में शामिल हुए। लखनऊ में बीजेपी के मंच पर एक एक कर समाजवादी पार्टी के एमएलसी विधायक आगे बढ़ते गए, बीजेपी का गमछा पहनते गए। यूपी में बीजेपी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में ये बड़ी सेंध लगाई है और 4 एमएलसी को तोड़कर बीजेपी ज्वाइन करवाई। पिछले 15 वर्षों से उनके लगातार अध्यक्ष भी रहे और फिर बीजेपी बोली आज अखिलेश को नींद नहीं आएगी। आज नींद नहीं आएगी अखिलेश यादव? नहीं नहीं, हम लोग किसी को तोड़ते नहीं, हम तो लोगों को जोड़ने की प्रवृत्ति में आगे चल रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये काफिला है, विकासवाद के नाम पर लोग और से आकर्षित होकर जुड़े हैं। दरअसल बीजेपी का ये दाव यूपी के स्थानीय निकाय क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के लिए है। अगले कुछ महीनों में स्थानीय निकाय के कोटे से 10 एमएलसी के चुनाव होने हैं और बीजेपी इसमें पूरे दमखम के साथ उतरना चाहती है। बीजेपी में आए एमएलसी भी जोश में है। नरेंद्र भाटी जी मेरे साथ हैं। भाटी साहब, आप समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए, क्या नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, ये तो वक्त का तकाजा है। कोई शर्तों पे मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया है। अगर भाजपा मुझे कैंडिडेट बनाती है लोकल पार्टी का तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ाएगी तो जिसको लड़ाएगी उसका मैं समर्थन करूंगा, साथ दूंगा। भाजपा के अंदर लोगों का जो विश्वास है, उस विश्वास को, उस जनभावना को देखते हुए हमें भी ये उम्मीद है कि ये आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास होगा। जो विकास किए हैं गरीबों पर, इलाज में जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं, बहुत सराहनीय है। मुझे वो कार्य बहुत अच्छी लगे, इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।